गुरुग्राम में किचन का सामान बेचने वाली दुकान पर कॉपीराइट एक्ट की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 11 आरओ मशीनें जब्त की और आरओ कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि आरओ नकली हैं। फिलहाल पुलिस ने डाबर किचन मार्ट के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर आपके दरवाजे पर कोई आरओ लगवाने की गुजारिश लेकर आए या आप आने वाले दिनों में साफ पानी के लिए आरओ लगवाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल आपके शहर गुरुग्राम में धड़ल्ले से बड़ी कंपनियों के आरओ फर्जी लेबल लगाकर बेचे जा रहे हैं, वो भी एक दो नहीं बल्कि भारी तादाद में। कंपनी को लगातार हो रहे घाटे के बाद जब कंपनी ने सर्वे करवाया तो आरओ मशीन के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ। लगभग 1.5 महीने से हम इस मार्केट का सर्वे कर रहे थे और इस पर्टिकुलर टारगेट पर जाकर जैकबपुरा में हमने जीरो डाउन किया, कुछ सैंपल्स खरीदे गए और पाया कि ये डुप्लीकेट हैं। इसमें ब्रांड को बहुत ज़्यादा बहुत नुकसान हो रहा था ब्रांड को, प्लस उसके साथ साथ लोगों की हेल्थ से भी खिलवाड़। जो ये डुप्लीकेट मशीन जो ये बना रहा था, बनाकर सेल कर रहा था इतने लार्ज स्केल के ऊपर, तो इन मशीन से जो पानी निकलता है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लायक नहीं है और 60% बीमारियाँ पानी से फैलती हैं, वाटरबॉर्न डिजीज। सो बेसिकली यहाँ हमें कैंट आरओ की डुप्लीकेट मशीन्स हमने सीज की गुड़गांव पुलिस के साथ। आरओ के नाम पर हो रहे गड़बड़ झाले का पता जब कंपनी को लगा तो कंपनी ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने डाबर किचन मार्ट पर छापेमारी करते हुए 11 आरओ को जब्त किया। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन पुलिस जांच के बाद गिरफ्तारी की बात कह रही है। ये मैसेज ब्रांड प्रोटेक्टर इंडिया एक कंपनी है जो नकली, इनके पास कॉपीराइट एक्ट के अधीन ये काम करते हैं। तो इन्होंने हमें एक कंप्लेंट दी है कि आज डावर किचन मार्ट है जो सदर बाजार में, ये नकली आरओ इनकी कंपनी जो है उसके नकली आरओ बनाकर बेच रहे हैं। इसके आधार पर हमें सूचना पाकर हुआ छापा मारा है और छापे में नकली आरओ जो देखने में नकली प्रतीत हो रहे हैं कैंट कंपनी के, वो हमने कब्जा में लिए हैं और कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने भले ही कार्रवाई करके एक दुकान पर हो रहे फर्जीवाड़े को पकड़ लिया हो, लेकिन सवाल यही है कि कहीं किसी और दुकान पर तो किसी और ब्रांड का फर्जी सामान बेचकर आपकी सेहत से खिलवाड़ नहीं हो रहा है? खैर, वो तो भला हो कंपनी की सूझबूझ का जो उसने फर्जी आरओ की दुकान का भंडाफोड़ कर दिया, नहीं तो मुनाफे के चक्कर में मुनाफाखोर आपकी जिंदगी में न जाने कितना जहर घोल चुके होते। गुरुग्राम से प्रवीण शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।